आदेश माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। भूत पिचास जिन जिन्नात बेताल कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकनी शाकनी भूत पलिता, इतने प्रकार के जीव हमारे आसपास रहते हैं जो चाहे तो शरीरधारी हैं या फिर शरीर से परे हैं। कभी जाने अनजाने में अगर हम इनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं और उसके बाद समस्या शुरू हो जाती है, या कोई इनमें से किसी शक्ति को बंधक बना करके दूसरे को परेशान करने के दृष्टिकोण से उसके जीवन में एक बाहरी शक्ति को प्रवेश कराता है तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। किस तरीके के समस्याएं शुरू हो जाती हैं? जो सबसे रेयर समस्या है वो है पजेशन का, मतलब आपके विचार आपकी बुद्धि पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाए। जो भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं, ये शरीर में प्रवेश ना करके आपके विचार और अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसा कि ये आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। देखो, एक जो हेल्दी माइंड का व्यक्ति होता है उसके हाथ में एक ब्लेड दे करके बोलो कि तुम अपने हाथ को थोड़ा सा काट लो, वो नहीं काटेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्वस्थ दिमाग में है। उसको पता है ये शरीर मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है और ये जितना बढ़ेगा मुझे उतना ही लाभ है। लेकिन जो व्यक्ति किसी और के प्रभाव में होगा वो आत्महत्या तक कर सकता है, क्योंकि उस समय उसके शरीर पर उसको लगता है उसका अधिकार है लेकिन स्वामित्व बनाकर बैठा रहता है। ऐसा व्यक्ति पांच जो आपका सेंस ऑर्गन है उसके बाहर कार्य करता है, मतलब उसके हर चीज की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि जिनको जो भूत प्रेत बाधा से जो लोग पीड़ित होते हैं उनमें असीम शक्ति आ जाती है। क्यों असीम शक्ति आ जाती है? क्योंकि हम में असीम शक्ति है लेकिन हम उसको अपनी सोच से बांधे रखते हैं कि अरे ये तो मैं इस वजन को मैं नहीं उठा पाऊंगा, इतना दूर मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन जिनके पास वो बंधन ही नहीं है, जिनका वो बंधन खुल जाता है, ऐसे लोग इनमें बहुत शक्ति आ जाती है। पांच पांच दस दस लोग पकड़ के इनको बैठते हैं तब भी ये सबको धक्का दे करके निकल सकते हैं, इतनी इनमें शक्ति आ जाती है। ये एक है। दूसरा, आप पे अगर ऐसी कोई बाधा आती है तो दो चीजों पर सबसे पहला इनका चोट होता है। पहला क्या है? पहला है आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी आपका संबंध है वो कटु हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। यह सबसे बेसिक लक्षण है। अगर आप पे किसी तरीके का साया या भूत आदि का प्रभाव होगा तो आपके घर में आपका संबंध किसी से भी अच्छा नहीं हो सकता है। यही नहीं, जिस घर में ऐसी बाधा आए वहां किसी का भी संबंध किसी से अच्छा नहीं होगा। दूसरा जो ये प्रहार करते हैं वो करते हैं आपकी इकोनॉमी पर, मतलब जिसके घर में भी बाधा होगी भूत आदि प्रेत की उनके घर में ये आप तय मान लो कि धन नहीं होगा। कितने भी बड़े धनाढ्य होंगे तो वो शून्य पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बहुत अकस्मात रूप से शून्य पर पहुंच जाए, एक धनाढ्य व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका घर ठीक ठाक चल रहा हो और अचानक से उसका सारा काम रुक जाए, तो ये एक संभावना बनती है कि उसके घर में किसी प्रेत या भूत का निवास है। तो ये जो दो मैंने चीजें बताई, अगर इनमें से कुछ आपके साथ हो रहा है तो फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, वरना व्यर्थ है समय।
आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तंत्र, आपको ऐसे लोगों को निकालना है बाहर, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं 2-3 आपको तरीका और अंत में एक साधना बताऊंगा, जिस साधना से आप जहां भी जाइएगा वहां पर अगर ऐसी कोई भी बाधा होगी तो उसको आप निकाल पाइएगा। देखिए, पहला जो मैंने पजेशन वाला विषय बताया उस पर मैंने हमेशा कहा है और बार बार कहा है कि एक मानसिक रोग होता है जिसको अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहते हैं। कोई कुछ लोग होते हैं जिनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो लोग भी ऐसा नाटक करते हैं कि लोग उनको काम करने ना बोले, उनके हिसाब से उनको भूत लग जाता है। उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि लोग मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो इस तरह का आडंबर रचते हैं ताकि लोग उन पर ध्यान दें। ये 2 तरीके के लोग होते हैं और इससे इसको कैसे पहचाना जाए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एक विषय और था इसमें कि बहुत बार ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उन पर भूत का साया नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनका ऐसा ग्रोथ होता है, इस तरीके का मानसिक ग्रोथ होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि बहुत ही शांत होता है, जो क्या करता है वो कॉन्शियस माइंड को नहीं पता रहता है, वो कई बार लोगों के साथ खेलता है। तो मैंने पहले बताया था कि माइंड जो होता है, जो हमारा सोचने का जो पूरा व्यवस्था है, जो एक सिस्टम है, माइंड कोई ऑर्गन नहीं है, माइंड एक पूरा सिस्टम है, इसका 3 भाग होता है। कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं आपको पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, ये आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है, ये तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। प्री कॉन्शियस माइंड, मतलब अगर मैं पूछूं कि 3 दिन पहले आपने कौन सा कपड़ा पहना था, आप थोड़ा सोच करके बताओगे कि इस रंग का मैंने कपड़ा पहना था। सब कॉन्शियस माइंड मतलब वो एक आकाशिक लाइब्रेरी है जहाँ पे हर इंफॉर्मेशन स्टोर है, और एक विधि के व्यवस्था से आप अगर जाओगे तो आप उस लाइब्रेरी से आज से 10 साल पुराना भी जो विषय है उसको निकाल सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी अपनी चेतना भी होती है, तो वो कई बार आपके साथ खेलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती नहीं है वो आपको विश्वास दिलाता है कि ये है। तो बहुत सारे पजेशन के केसेस में सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड पर भारी पड़ जाता है। तो फिर ये जो व्यवस्था है, ये जिसके साथ होगा वो हिप्नोसिस से ठीक हो सकता है, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से ठीक हो सकता है। तो है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें एक पजेस्ड व्यक्ति मिला, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि वो एक हिप्नोसिस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का केस है, या फिर वो झूठा नाटक कर रहा है, या फिर वो सच में पजेशन का केस है। जब आपको बीमारी पता चलेगी तभी तो आप इलाज करोगे। तो उसका मैंने पहले भी उपाय बताया है कि अपने जेब में एक नोट रखो या कुछ पैसे रखो और उस व्यक्ति के पास जा करके उससे पूछो कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं। अगर उसमें किसी भी पराजीव का प्रवेश होगा तो वो बता देगा, क्योंकि वो शरीर के बंधन से मुक्त होता है, तो वो बता देगा कि तुम्हारे जेब में इतना पैसा है। दूसरा व्यवस्था है कि आप उस व्यक्ति के ठीक पीछे जा करके उससे पूछो, उसको बिना बोले मतलब मेंटल मैसेज डालो कि तुम मेरी तरफ देखो, अगर वो पलट कर देखता है तो वो सही है। तीसरा, उसकी कानी उंगली को अपने गुरु मंत्र को पढ़ करके दबाओ और बोलो कि हाजिरी दो, अगर वो हाजिरी दे दे तो समझ जाओ कि वो सही है। ऐसा भी बोलते हैं कि जो लोग पजस्ड रहते हैं उनको दर्द नहीं होता है, उनको मारपीट का असर नहीं होता है। तो अगर किसी का कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दाबो और वो चिल्लाए तो समझ जाओ कि उस पर किसी भी प्रेतादि भूतादि का बाधा नहीं। अब आते हैं विषय पर कि मान लो कि एक स्थान पर भूत है। अब जैसे किसी के घर घुसे आप, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर भूत है? वो समझने के लिए सबसे पहले आपको बैठना होगा। बैठ करके अभी जो मैं मंत्र दूंगा उसका आप सिद्धि करोगे और सबको रूम से निकाल करके जब आप वहां बैठोगे तो अगर वहां आत्मा होगी तो वो आपको छू कर जाएगी। जो आज मैं विधान बताने वाला हूं उसके बाद वो आपको छू के जाएगी। दूसरा कि मैंने जो किताब लिखा है उसमें बहुत तरीके का मैंने उपाय बताया है जिससे कि आप इस तरह के आत्माओं से बात कर सकते हो, मतलब वो अपने होने का प्रेजेंस आप वो है वो आपको बताएगी। लेकिन ये तब होता है जब उस घर को आप खाली करके अकेले बैठोगे, ठीक है? तो अब एक आपको ऐसा जगह मिल गया है जहाँ पर भूत है, या एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिस पर कि कोई साया है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहां भी भूतों का प्रवेश है
जो मैंने एक मंत्र दिया था विष्णु का, उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतो मुखांग नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम स्वाहा। क्या दिया था? उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतो मुखांग नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम स्वाहा। हमारे मंत्र में और वैष्णवों के मंत्र में कुछ अंतर है, इसलिए जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ वही करिएगा। इसको लेकर के लौंग ले लेना है, दो लेफ्ट हैंड का जो लौंग है उसकी कली को जो भी पजस व्यक्ति है उसके सर पे लगाना है, और राइट हैंड से राइट हैंड में एक लौंग लेना है, 7 बार इस मंत्र को पढ़ के उस लौंग पर फूकना है, और क्लॉकवाइज जो थर्ड आई पे जो लौंग रखा है उसमें छूते हुए क्लॉकवाइज उसके सर के चारों तरफ 7 बार घुमाना है, फिर दोनों लौंग में आग लगा देना है। अगर उससे मसान का महक आया तो आप समझ लो कि किसी मशानी शक्ति का उस व्यक्ति में वास था। एक बार करने से हो सकता है ये ना हटे, लेकिन इसको आप 2-3 बार करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, आज के मुख्य विषय पर आते हैं। जिस विधान से आप किसी भी व्यक्ति का, एक साबर मंत्र है भैरव जी का, इसको अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो किसी के घर में किसी भी तरीके का भूत प्रेत बाधा होगा ना तो वो हट जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसकी सिद्धि शनिवार के रात में 12 बजे होती है शमशान में। दीपक जला लीजिए, फूल बताशा और धूप से जो है भैरवनाथ जी की पूजा कीजिए। उसके बाद जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका 21 बार जाप कीजिए। इतना करने से ही ये जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। शनिवार रात 12 बजे शमशान दीपक जलाइए, चमेली का या फिर सरसों का घी का जो भी आप प्रयोग करते हैं भैरव जी की पूजा में, भैरव जी को फूल चढ़ाइए, बताशा चढ़ाइए और गूगल का धूप चढ़ाइए। उसके बाद जो मंत्र मैं अभी बोलूँगा उस मंत्र को 21 बार जाप करिएगा तो ये मंत्र आपका एक बार के लिए सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ भी ऐसा भूत प्रेत बाधा है वहाँ जा करके आप इससे वहाँ उतारा कीजिए, या फिर जो क्लेंजिंग प्रोसेस है उसको कीजिएगा तो वो जगह जो है वो साफ हो जाएगी। मंत्र क्या सुनिए, ओम गुरु जी काला भैरव क्या करे मरा मसान सेवे, मरा मसान से क्या करे लाग को लपट को, काचे को कलवे को, झाप को झपट को, भूत को प्रेत को, जिंद को डाकन को, ताल को बेताल को, पेट की पीड़ा माथे की मथवा, 36 रोग को दफा करे, श्रीनाथ जी का चक्रु घेरा घाले, हनुमान का पर्चा छोर डाकनी पूत पराया, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। यहाँ पर एक चीज और, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा का बहुत लोगों को मतलब नहीं पता था, तो फूरो मंत्र का मतलब होता है कि अब मंत्र आगे चलो। और जो मैंने पहले बताया था साबर मंत्र विद्या में कि ईश्वर वाचा जो मंत्र होता है वो सिद्ध होता है, तो एक बार जैसे आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया एक शनिवार को, दूसरे दिन रविवार को जाइए जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके पास जाइए और उसको चाहे तो जैसे आप झाड़ते हैं जो आपका तरीका झाड़ने का उससे झाड़िए, पानी में 3 बार फूंक करके ये मंत्र उसको पिला दीजिए। ये जितने भी तरीके का व्यवस्था, जैसे घर घर का आपको अगर सफाई करना है तो 21 बार गूगल से और लौंग मिला करके उस घर में इसका हवन करिएगा। ठीक है, हवन करने के बाद हवन की कराग जब ठंडा हो जाएगा तो उसके राख को चाल कर चलनी से, और उस राख को ले करके उस घर के की जो 4 दीवारी है उस पर छींटते हुए इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको जाना है। तो जब आप हवन करते हैं, सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी जब हवन करते हैं तो उसको बंद रूम कमरे में नहीं करना चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाए। ठीक है, तो आप पहले इस मंत्र का हवन करेंगे 21 बार, उसके बाद जो भस्म बनेगा उस भस्म को चाल लेंगे, और चालने के बाद जो 4 दीवारी है उस घर के उसके चारों तरफ घूमेंगे इस भस्म को गिराते हुए और इस मंत्र को पढ़ते हुए,
जब तक पूरी चार दीवारी कवर नहीं करेंगे तब तक आप मंत्र जपते रहेंगे। जब छोटा हवन करना होता है और जिस हवन का भस्म बनाना होता है तो उसमें लकड़ी के बदले जो नारियल का खप्पर होता है ना, कोपर जिसको कहते हैं, सूखा नारियल गरी, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें हवन सामग्री भर लीजिए, ठीक है, उसको उसके चारों तरफ घी लगा दीजिए, कपूर उसके चारों तरफ आप लगा देंगे और उसके बाद उसको प्रज्वलित कीजिए आवाहन मंत्र से, और उसके बाद उसी में 21 बार आप जो है इस मंत्र को पढ़ के आहुति देंगे, ठीक है, गूगल और लौंग की आहुति देंगे, किसी और चीज़ को उसमें मिश्रित मत कीजिएगा, पूरा राख होने दीजिएगा। उसके बाद जो भभूत निकलेगी उस भभूत को घर के चारों तरफ देंगे। जब कोई पजस्ड आदमी आपको मिलेगा, मान के चलिए एक बार आपने उसको पहले पिला दिया, पिलाने के बाद उसको इस मंत्र से पढ़ पढ़ के छींटे मारिएगा पानी के, और उसको बोलिएगा जब तुम छोड़ कर जाओ इस शरीर को तो पहले तो वचनबद्ध हो कि तुम इस शरीर में फिर से प्रवेश नहीं करोगे, और जब छोड़ के जाओ तो बाएं तरफ शरीर को छोड़ना। तो जैसे वो व्यक्ति बाएं तरफ शरीर को छोड़ के जाता है उसके चारों तरफ जल लेकर के इसी मंत्र से आप एक घेरा बनाइए ताकि इस शरीर में फिर से वो प्रवेश ना करे। उसके बाद फिर से घर के क्लियरेंस का प्रोसेस करेंगे, 21 बार इस मंत्र से हवन, और उसके बाद फिर उस हवन को ठंडे हो जाने के बाद उसको चाल करके घर के चारों तरफ आप लगाएंगे, और घर में जितने व्यक्ति हैं सबको इस हवन का भस्म देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी घर से भूत या प्रेत को बाहर निकालिएगा, इस घर का व्यक्ति कोई भी इस घर से प्रवेश बाहर ना करे, और बाहर का कोई व्यक्ति घर में प्रवेश ना करे जब तक पूरा विधान पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा विधान। अब मान के चलिए शनिवार नहीं है, शनिवार आने तक तकलीफ इतनी है कि आपको शनिवार तक रुकना संभव नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करोगे, लोबान रखोगे घर में हमेशा, ठीक है। लोबान को घर के एक कोने से शुरू करोगे और जो भी आपके ईष्ट का मंत्र है उसको जपते हुए घर के कोने कोने सारे दीवार में, पहले सेंटर से शुरू करोगे, सेंटर से एक कोने में ले जाओगे, हाथ में घंटी रखोगे घंटी बजाते हुए, और हर कोने में मतलब दीवार के साइड साइड चलते हुए हर कोना टच करते हुए वापस उसी कोने पे आओगे, ठीक है, और उसके बाद उस लोबान को ले जाके घर के बाहर स्थापित कर दोगे। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है इस विधि को अगर शाम में आप करोगे तो कम से कम 24 घंटे तक आपको राहत मिलती रहेगी उस व्यवस्था से। ये व्यवस्था आपको तब तक रखनी है जब तक आप अगले शनिवार तक नहीं पहुंचते हो। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतोमुखांग नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि हम स्वाहा। इस मंत्र के हवन से भी अगर इस मंत्र को आप धूमन धूप और गूगल का रोज हवन करेंगे, उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतोमुखांग नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि हम स्वाहा, तो इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और अगर कम शक्तिशाली भूत होगा, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भूत नहीं होगा तो इस हवन से ही भाग जाएगा। इसके अलावा एक मंत्र और है, ओम मरकट मरकटाय स्वाहा, इसका एक दिन हवन करिएगा, रोज़ इसका घर में हवन नहीं कर सकते हैं आप, तो इसका एक दिन हवन कीजिएगा नॉर्मल हवन सामग्री से। जितना भी हवन बताया है सब हवन के बाद कारण देना अनिवार्य है हवन कुंड में, ठीक है, सब के बाद कारण दे दीजिएगा। जब क्लियरेंस हो जाता है घर का ना, तो जो घर है उसकी पूरी सफाई होनी चाहिए, मतलब जितना भी घर में वस्त्र है, जैसे श्राद्ध के बाद सफाई होती है वैसी सफाई घर में होनी चाहिए। जो व्यक्ति है जो उस घर में है, भभूत लगने के बाद कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बनाइए, उसमें एक चुटकी नमक डाल करके सब पीजिए तो इंटरनल क्लेंजिंग होगा। उसके बाद नमक पानी से सबको स्नान करना चाहिए, घर पूरा साफ करना चाहिए, चाहे तो कॉफ़ी के पानी से या फिर नमक के पानी से। इससे क्या होता है कि जो एनर्जी थी वहाँ पर उसका ट्रेस नहीं बचता है फिर उस घर में। तो ये पूरा विधान है एक साबर मंत्र का, भैरव जी का, जिससे कि आप किसी के भी घर में या अपने घर में अगर पजेशन का केस है या फिर घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो उसको आप दूर कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। बहुत लंबा वीडियो था, लेकिन इसको विस्तार में बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसका अगर थोड़ा भी गलत उपयोग हो तो बड़ा भारी पड़ सकता है। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, ये मेरी किताब है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया गया है जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है कि नहीं है। साधना शिविर होने वाली है, जिनको गुरु दीक्षा चाहिए वो साधना शिविर में आ सकते हैं। अगस्त एंड में है, शिवपुरी मध्य प्रदेश। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है, जैसे आसन, बंधन, भैरव, ये सब साधना जिनको सीखनी है वो मेरे पेड बेसिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431885885। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz। उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, rudranath@cm4 टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश रख आदेश।